में दो जने भागा ही जाता। मैं दब भी रमजान का टाइम दिया बस करके बोल लेते ना। अभी ऐनक में चेक करने में अंकित फुल अंदर से मोटा हो गया है, वो कोई और क्वेश्चन नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है, वरना इफ्तार के लिए बहुत लेट होता था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज डे 17 नमे शिपा तो आज है डे 17 शहरी का। हमारे घर में शहरी में है कुछ चाकने के लिए, सिर्फ खाने के लिए नहीं है। और हमारा कलवा भी हमारा शहरी के लिए उठ चुका है। कलवा कितना रोजा है कलवे का? कलवा गुस्सा है और शिफ्टन पे उठ चुका है, जाके मुंह धो रहा है, इतना जल्दी पहली बार उठे इसने शिफ्टन। तो अभी मैं तो सारे के लिए बैठ रहा हूँ, भैया जल्दी फ्रेश होकर जाओ। शिफ्टन शिफ्टन शिफ्टन, तुझे रमजान तक का टाइम है होता जाने आपको वाकई कितना रमजान तक का टाइम देता था तुझे। रमजान का टाइम दिया था, ये रमजान के अंदर आया था बस कर का। बारह बजे मुंह बारह बजे रात के। तो अभी मैं तो बैठ रहा हूँ सारी के लिए, तुम्हें आराम से आओ घी दियो मैं। तो अभी 4:50 हो गया है और भैया अभी तक आए नहीं। भैया कहाँ गए? सारी का टाइम हुआ भैया, जल्दी आओ। इतने ये टाइम में तीन जने ना कर देते शिपा का एक पंच लाइन पढ़ते हुए सारे शार्ट हो रहा है। शिपा कहाँ गई? भविष्य को पकड़ गई। फर्ज नमाज का टाइम हो गया है, सारे सब लोगों का हो गया है और अभी फर्ज नमाज के जाने के लिए वेट कर रहे हैं। निकलेंगे हमारा नमाज भी हो गया और अभी हम आ चुके हैं घर को और अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो फिर सो के उठता हूँ। तो अभी हाँ तो उसके वास्ते बोल रही। तो हाँ अभी हो गया आफ्टरनून है। पर जो देखो अभी क्यों दिख रही है, पता है क्या? यहाँ खड़ो, इधर देख पता है देख, यहाँ देख, पता को दे ना को चॉकलेट। मैं बोल नहीं देता नहीं ना, मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, वन्नी डाला बोल के देख। तो शबनम भी आ चुकी है अभी। ईद आज ईद एग्जाम हुआ, फाइनल हुआ, पूरा हुआ। हाँ हाँ झाड़ जा दे चुप रहो दे। शिफा का अंकी एक लाल है, कल ब्लॉग में दिखाए थे, टू डेज पहले ब्लॉग में दिखाए थे। अभी ऐनक में चेक करने में अंकी फुल अंदर से मोटा हो गया है, वो बहुत किसी के अलग दिख रहे हो थोड़ा इधर। हाँ इधर रेड में देखो। तो अभी इफ्तारी के बाद सीधा जाके डॉक्टर के पास एक बार दिखा के आएंगे क्योंकि वो डेंजर है। वो 5 मिनट के बाद रहता नहीं रिंगा नहीं। तो एक काम करेंगे जल्दी में पढ़ लेते नमाज जा कहेंगे जल्दी पुरखा पढ़। तो हाँ अभी जाके डॉक्टर को दिखा के आते हैं और टाइम भी हो गया इफ्तार का, जल्दी जल्दी जाके आना है। टाइम देखो 6:10 हो गया है। देखिए डॉक्टर है कि नहीं कि मालूम नहीं, तो जाके आते हैं और जल्दी डॉक्टर मिले जल्दी ट्रीटमेंट करके आए। तो एक से एक कर लगाने का क्या क्या कर ली अम्मा, बस दे जल्दी अम्मी एयरपोर्ट दे जल्दी। 6:10 हो गया है, देखते हैं डॉक्टर भी रहता है क्या नहीं, बाकी पता नहीं। वो भी अंकी का है ना, मुझे ज़्यादा डर लगता है अंकी अंका सब रहा है तो फौरन निकलने के लिए बोला। डॉक्टर इला कोई और पेशेंट नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है, वरना इफ्तार के लिए बहुत लेट होता था। मैं वही सोच रहा था कि और अगर कोई पेशेंट रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, बोल के कोई नहीं था हमारे लिए, बोल के रेडी जैसा था सब। और टेस्टिंग भी हो गया है और अभी 6:30 हो रहा है, 10 मिनट्स बाकी है इफ्तार के लिए भी। तो फिर हम निकलते हैं जल्दी घर को। रुकाने का काम स्कूटी कार रुकाने के लिए कहीं भी पार्किंग नहीं है इधर, हर जगह भर के रहता है।
सस्पेंशन। तो हाँ, और घर को आने में इफ्तार का रेडी कर चुके हैं सब लोग। तो घर में इफ्तारी में कुछ पता नहीं, पद्दू को भी बना लेते। पद्दू को ना चटम बड़े कस्टर्ड भी है। फिसल रहा वो तो इतने तो बड़े अंक आए, इतने तो बड़े अंदर पिक्चर का हाथ को हाथ पड़े। इफ्तारी का टाइम, इफ्तारी का टाइम, इफ्तारी का, इफ्तारी का टाइम, मम्मी इफ्तारी का टाइम। तो आज इफ्तारी में है कुछ, इधर एक जूस, मीठा कस्टर्ड और व्हाइट कस्टर्ड है वो, चट्टम बड़े कुछ बोलते हैं, और पुडिंग। पुडिंग कैसा? पुडिंग कैसा? पुडिंग, पुडिंग, पुडिंग आइसक्रीम बताओ। 42 वाला इफ्तार का टाइम हुआ, खजूर लो कस्टर्ड। पड्डू के साथ इफ्तारी आ जाओ। पुडिंग कैसा? आईडी कार्ड डाल लेना। पड्डू स्कूल गए थे। तो भी इफ्तार भी हो चुका है और मस्जिद के लिए हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के फिर घर को जाता हूँ। पड्डू भाई की दीदी बहन अच्छी नोट करने लगती है। राइट आगे लगत ले बाय नहीं सोचा के चाचा कौन के दे दे तुझे देख रही है देखने को बोल अरे पर लगते अरे ये कौन है स्ट्राइक 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 शिव 6 दिन से बुला रहे जिम में जाने के लिए। ये प्राइम कैसे है ना प्राइम प्राइम तो निकल रहे हैं जिम को और वर्कआउट भी समाप्त हो गया है आज का। अभी हम निकल रहे हैं घर को। हर बार की तरह आज भी बहुत थक चुका हूँ। और शिफा क्या कर रहे हैं? क्या कहते हैं इंस्टाग्राम? अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट्स का डब्बा दे, खोल दे। अभी जस्ट मोटो का फाइटिंग हो के आया, बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल रहा था। देखो फिर भी आते होते बड़े फाइट में भी हमें मैं बुलाने में, और बस भक्का आया। फुल फाइटिंग चल रहा था बहुत ज़्यादा, इधर फुल धूल उड़ा उड़ गया था। देखो अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। फिर मैं भक्के जाके मैं तो मोटो मोटो इधर आवल में उसको फाइटिंग छोड़ के फिर उठ के भक्का आ रहा है इधर। बाकी जैसे अंदर हाँ मोतो देखो मोतो आने का देखो अरे मोतो कहीं फाइटिंग करने का कहीं फिट करते सब सबके हाई सब हाई सब बॉडी में फुल जख्म सब कर लेने का। वेट वेट ऐसे इसका प्रकाश पेशवानी का थैंक यू मस्त रहता। ओ भैया अमी नारंगी करे ना एक दो एक बोल के दो ले लिया पीनट थे उधर क्या था खाली होते हुए उसे अंदर लेके जाने का। तो रात के 12 बजे मुझे भूख लग रहा था तो अभी शिफा को लगा दिया हूँ ओट्स बनाने पे। तो अब ब्रेक मारा था ओट्स कैंसिल देख के कितना लिमिट है तक मारने का। तो हाँ गाइस अभी बहुत ही रात हो चुका है और अभी मैं वोट्स खा के सो जाऊंगा। सोने का थोड़ा डाउट ही है। तो फिर ये ब्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और ये ब्लॉग कैसा था बोल के कमेंट करो और मेरे साथ अभी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू बाय गुड नाइट सी टेक केयर टाटा।